देखिए, अगर आपके पास लावा का कोई भी बटन वाला फोन है और उसमें मेमोरी कार्ड डिटेक्ट नहीं हो रही है, कनेक्ट नहीं हो रही है, शो नहीं हो रही है, तो उसे कैसे कनेक्ट करें, यहाँ पर मैं बताऊंगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है, बट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मेमोरी कार्ड ली हुई है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है मेमोरी कार्ड की, देखिए, अगर कनेक्ट नहीं हो रही है तो आप मेमोरी कार्ड निकालिए, ये लॉक से इसे खोलिए और निकाल लीजिए। तो कुछ मेमोरी कार्ड इस तरीके से दिखेगी, आप देखेंगे कि ये कितनी गंदी हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक रबर ले लेना है, रबर, स्कूल वाला रबर, रबर से जो स्कूल में हम बच्चे यूज करते हैं, उसे इसे अच्छे से मिटाना है, इसके गोल्डन प्लेट को, ठीक है। तो मिटाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, मैं आपको दिखाता हूँ, ओरिजिनल निकाल के साफ सुथरी कर देना इसको आपको। देखिए, जब साफ सुथरी हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, एकदम साफ सुथरी। पहले देखिए कितनी गंदी थी वाली, ये देखिए। तो इसे आपको इस तरीके से साफ कर लेना है और फिर इसे लगाना है आपके मेमोरी कार्ड में, और उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से भी कनेक्ट नहीं होती तो यहाँ पर दूसरा पार्ट आता है, आप कंप्यूटर या लैपटॉप से डिस्क पार्ट, लिस्ट डिस्क डाल के इसे फॉर्मेट करके भी सही कर सकते हैं। अगर आपके आपके किसी दोस्त के पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो यूट्यूब में बहुत सी वीडियो है कि कैसे सही करें मेमोरी कार्ड को जो कि खराब हो जाती हैं, तो आप वो देख के सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ओरिजिनल कोई मेमोरी कार्ड है जो वारंटी में है, जैसे कि ये सैनडिस्क की मेमोरी कार्ड है तो इसमें वारंटी आती है, तो आप इसे रिप्लेस करा सकते हैं, वारंटी में होगा तो कुछ इस तरीके से आप इसे रिप्लेस करा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, टूट गई है हल्की सी, तो फिर वो कभी बनेगी नहीं, तो आपको न्यू मेमोरी कार्ड ही लेनी होगी। तो कुछ क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सवर्क को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।